हमेशा की तरह सुबह जानवरों को चारा डालने गए युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। मैनपुरी में मवेशियों को चारा देने गए युवक की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या के मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला राजीव गांधी नगर में युवक घर के सामने बने जानवरों के बाड़े में चारा डालने गए युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। सिर में गोली लगने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम ने भी जांच के नमूने लिए। मृतक के परिजनों को आशंका है कि कई बार रास्ते को लेकर उनकी पड़ोसी से विवाद हो चुकी है, जिसने अनेकों बार पुलिस को झूठे शिकायती पत्र भी दिए थे। आशंका है कि उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं में जांच पड़ताल कर रही है। सुरेंद्र यादव के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन शंका व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ नाम और सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है जो इस हत्याकांड में शामिल होंगे। फिलहाल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। उसी सूचना पे तत्परता से पुलिस यहाँ आई है। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड आया है। जांच पड़ताल हुई है। एक सुरेंद्र यादव नाम है एक लड़के का, 23-24 साल उम्र है। उनके सिर में गोली लगी है। उनकी बॉडी का जांच पड़ताल किया गया, पोस्टमार्टम भेजा गया है। परिजन शंका व्यक्त कर रहे हैं, कुछ रंजिश बता रहे हैं, कुछ नाम सामने आए हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।